कौशर की रसोई में आप सभी का वेलकम है। आज मैं बनाने वाली हूँ भुट्टे के नाश्ते। उसके लिए देख लेते हैं क्या क्या लगते हैं। प्याज छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, चावल का आटा, भुट्टे को इस तरह से छील लिए हैं, किशमिश थोड़ी सी ले लिए हैं, शिमला मिर्च काट लिए हैं थोड़ी सी, गड़ी कच्ची गड़ी, गाजर कद्दूकस कर लिए हैं, हरी मिर्च और अदरक कद्दूकस कर लिए हैं, आलू बॉईल करके इस तरह से रख लिए हैं, यह करी पत्ता डाल ले लेंगे, तेल 1 चम्मच, हींग 1 चुटकी, प्याज डाल देंगे, भुट्टे को डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, गाजर डाल देंगे, अदरक कद्दूकस करके ले लिए हैं वो डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे, थोड़ी देर भुनेंगे, नमक स्वाद के अनुसार ले लेंगे जितना में टेस्ट आ जाए। हरी मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल के अच्छे से मिला लेंगे, करी पत्ता डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे, आलू बॉईल करके जो रखे थे उसे भी डाल करके अच्छे से भून लेंगे, किशमिश डाल देंगे, गड़ी डाल देंगे, निकाल लेंगे, अच्छे से चला लेंगे, चावल का आटा डाल देंगे 3 चम्मच, जरूरत पड़ेगा तो और ले लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी सी पानी छिड़क लेंगे, अच्छे से मिला देंगे, थोड़ी सी तेल हाथ में लगा लेंगे, टिक्की की शेप में बना लेंगे, देखिए इस तरह से गोल करके चिपटा कर देंगे, टिक्की के शेप में आ जाएंगे, इस तरह से सारे टिक्की बन गए हैं, चूल्हे पे पैन रख करके 3 चम्मच तेल ले लिए हैं, एक एक करके सारे टिक्के को रख देंगे, एक बार बना करके ज़रूर देखें, रख देंगे, एक तरफ से फ्राई हो गए हैं इस तरह से हो गए हैं हमारे टिक्के, निकाल लेते हैं, इस तरह से निकाल लिए हैं, बाकी इसी तरह से तल लेंगे, इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, दोस्तों परिवारों में शेयर करें। एक बार बना करके देखिए।